अस्सलाम वालेकुम, आप डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम की ट्रेनिंग वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो छठी जमात के मवाद के लिए बनाई गई है। ये वीडियो नंबर 5 है, जो DLP के अमली सबक की तदरीसी हिकमत अमली के हवाले से है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि DLP प्रैक्टिकल लेसन को पढ़ाने के लिए किन पेडागॉजिकल हिकमत अमलियों का मुजाहिरा किया जाता है। इस वीडियो को देखने वाली मौलिमात से मेरी गुजारिश है कि अपनी तज्ज़ियाती महारतों का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो में ख़ुद से उन हिकमत अमलियों की निशानदेही करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले हम कुछ क्लास नॉर्म्स रिवाइज कर लेते हैं। तो मुझे ये कौन बताएगा कि जब मैं दो बार क्लैप करती हूँ तो इसका क्या मतलब होता है? जी बताएं। टीचर की तरफ मुतवज्जो हो जाना, LED की तरफ देखना, अपने हाथ डेस्क पर रखना और टैबलेट को स्लीप मोड पर लगा देना। वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों, अब जरा सोचें और मुझे बताएं कि रोजाना दिन और रात का अमल अपने आप को दोहराता है, तो आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखें और मुझे बताएं कि ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो अपने आप को दोहराती हैं। जी बताएं। निज़ाम शमसी का अमल। अच्छा, वो कैसे? जब सूरज के गिर सैयारे गर्दिश करते हैं तो निज़ाम शमसी का अमल मुकम्मल हो। शाबाश। और कोई बताना चाहेगा? जी, जब महीनों का अमल। महीनों का अमल, वो कैसे? जो हर साल में 12 महीने होते हैं, हर साल की शुरुआत जनवरी के महीने से होती है, अमल दोहराता है। वेरी गुड। चलें बच्चों, ये जो दोहराने का अमल है इसे हम कहते हैं लूप्स। क्या कहते हैं? लूप्स। तो आज हम प्रोग्रामिंग के एक तसव्वुर लूप्स के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि स्क्रैच में उसका इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम पहले नोट 60 प्ले करेंगे, फिर नोट 50 प्ले करेंगे, दोबारा से नोट 50 प्ले करेंगे और तीसरी बार नोट 50 प्ले करेंगे और एंड में हम लोग नोट 60 प्ले करेंगे। तो बच्चों, अभी जो मैंने ये बोर्ड पर लिखा इसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, शाबाश। अब बच्चों, हम ये स्क्रिप्ट अपने स्क्रैच में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपना स्क्रैच खोल लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि प्ले नोट का जो ब्लॉक होता है वो किस ब्लॉक टैब में पाया जाता है? म्यूजिक टैब। वेरी गुड, शाबाश। लेकिन क्या आपको यहाँ म्यूजिक टैब दिख रहा है? नो। अच्छा, तो हम कहाँ से ऐड करते हैं ब्लॉक टैब? जी आप बताएं। मिस मोर टैब। अच्छा, यहाँ का पॉइंट आउट करें। मिस इस वाले बटन। वेरी गुड, शाबाश। बैठ जाए, हम मोर पे जाएंगे और अपना ब्लॉक टैब म्यूजिक का ऐड करेंगे। म्यूजिक का ब्लॉक टैब ऐड हो गया। अब स्क्रिप्ट बनाएं। ओके, हमने प्ले नोट को होल्ड एंड ड्रैग किया और यहाँ स्क्रिप्ट एरिया में ले आए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक हो गया। अब हम अपने दूसरे ब्लॉक की तरफ जाते हैं, वापस से प्ले नोट को होल्ड एंड ड्रैग करेंगे और यहाँ 60 के नीचे ऐड कर देंगे। लेकिन अब हमें 60 की वैल्यू चेंज करनी है। क्या है नोट की वैल्यू? 50। वेरी गुड। तो हम इसे दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो हम इसे एक बार टैप करके पियानो से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर हम इसको डबल टैप कर कीबोर्ड से भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको डबल टैप किया और इसकी वैल्यू 50 कर दी। फिर हम दोबारा अपना तीसरा ब्लॉक ऐड करेंगे, होल्ड एंड ड्रैग करके इसको स्क्रिप्ट एरिया में लेकर आएंगे और इसकी भी वैल्यू चेंज कर देंगे। ये भी 50 हो गया। और कितनी बार 50 आएगा? One more time. ठीक है, हम वन मोर टाइम 50 को ऐड करेंगे, होल्ड एंड ड्रैग करके ब्लॉक यहाँ स्क्रिप्ट एरिया में लेकर आए, डबल टैप किया और इसकी वैल्यू 50 चेंज करके 50 कर दी। सही है। अब हम अपना आखिरी ब्लॉक फिक्स करेंगे, प्ले नोट 60। ये हमारी स्क्रिप्ट तैयार हो गई। तो बच्चों, अब मैं टेबल पे दो बार टैप करूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप यही स्क्रिप्ट अपने स्क्रैच में खुद से बनाएं। ठीक है, जब आप लोग के ग्रुप मेंबर्स का काम मुकम्मल हो जाए तो फैसिलिटेटर्स आपने अपना हाथ खड़ा कर लेना है। हिदायत देने के बाद ICQs पूछें। जब तलबा अपनी टैबलेट्स में स्क्रिप्ट्स बनाएंगे तो मुअल्लिमा बामायनी राउंड्स लगाएंगी।
खामोशी से तलबा को ऑब्ज़र्व करें। अगर आप महसूस करें कि ग्रुप में किसी बच्चे को दुश्वारी पेश आ रही है और ग्रुप के बाकी मेंबर्स बआसानी काम कर रहे हैं, तो आप फैसिलिटेटर या उस तालिबे इल्म से जो बआसानी काम कर रहा है कहें कि अपने साथी की मदद करें। ये तो हो गई मश्क में तलबा की मदद की कुछ हिदायात। आएं ज़रा गौर करते हैं कि हमने अब तक किन पेडागॉजिकल हिकमत अमलियों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले एंटिसिपेशन की शुरुआत हमने ऐसे सवाल से की जो बच्चों को लूप्स का तसव्वुर समझने के लिए अपनी अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ बनाने में मदद करे। फिर बिल्डिंग नॉलेज में मौलिमा ने बच्चों को खसूसी तौर पर स्क्रिप्ट बनाने के दौरान हाथ के उन इशारों का नाम लिया जिससे उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई। इससे बच्चों को इन इशारों का इस्तेमाल करके स्क्रिप्ट को इनफरादी तौर पर बनाने में मदद मिलेगी। कोशिश करें कि इसका ICQ भी पूछें। तो फैसिलिटेटर्स अपना हाथ खड़ा करें और मुझे बताएं कि क्या आपके ग्रुप्स ने एक्टिविटी मुकम्मल कर ली है? आपके ग्रुप ने नहीं की है? जी नहीं, मेरे ग्रुप में एक मेंबर ने अभी तक अपनी स्क्रिप्ट तैयार नहीं करी। चले कोई बात नहीं, जब मैं आपको अगली सरगर्मी दूंगी तो मैं उसमें आपको कंप्लीट करने का टाइम दूंगी, ठीक है? चलें अब हम स्क्रिप्ट की तरफ देख लेते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि स्क्रिप्ट में रेपिटेशन हो रही है? जी बताएं। यस मिस, इसमें प्ले नॉट 60 पर रेपिटेशन नजर आ रही है। अच्छा, कहां-कहां हो रहा है? मिस फर्स्ट टाइम हो रहा है, उस पर सेकंड टाइम लास्ट। और कोई रेपिटेशन दिख रही है? यस मिस, प्ले नॉट 50 पे रेपिटेशन नजर आ रही है। क्या सब एग्री करते हैं? यस। चलें इनके लिए क्लैप कर लें। तो बच्चों आइए स्क्रिप्ट की तरफ देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोट 50 तीन बार प्ले हो रहा है, ठीक है? तो यही काम जो यहाँ पर तीन ब्लॉक में हो रहा है, हम उसे दो ब्लॉक में भी कर सकते हैं। ये करने के लिए हम रिपीट ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। रिपीट ब्लॉक यहाँ पर कंट्रोल टैब में पाया जाता है। हम कंट्रोल टैब में जाएंगे। सबको यहाँ रिपीट ब्लॉक दिख रहा है? Yes! चलें अब इस रिपीट ब्लॉक को होल्ड एंड ड्रैग करके हम अपने स्क्रिप्ट एरिया में लेकर आते हैं और ज़रा इस रिपीट ब्लॉक की तरफ देखते हैं। रिपीट ब्लॉक के यहाँ पर वो वैल्यू आती है जितनी बार हमें स्क्रिप्ट को दोहराना होता है, ठीक है? इस हिस्से में अंदर की तरफ हम उस ब्लॉक को शामिल करते हैं जिस ब्लॉक को हमें दोहराना होता है। चलें अब स्क्रिप्ट की तरफ देखते हैं और मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि इस स्क्रिप्ट में कितनी दफ़ा रिपीट का ब्लॉक लगेगा? जी आप बताएं। स्क्रिप्ट में दो दफ़ा रिपीट का ब्लॉक लगेगा। एक दफ़ा रिपीट की वैल्यू 2 होगी और उसमें प्ले नोट 60 आएगा, और दूसरी दफ़ा रिपीट की वैल्यू 3 होगी, उसमें प्ले नोट 50 आएगा। शाबाश, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। लेकिन अब ज़रा इनके जवाब की तरफ गौर करते हैं। अगर आप लोग स्क्रिप्ट की तरफ देखें तो क्या यहाँ पर प्ले नोट 60 दो बार एक साथ चल रहा है? नो। तो बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर हमेशा तरतीब से काम करता है, इस स्क्रिप्ट में पहले प्ले नोट 60 प्ले हो रहा है, उसके बाद प्ले नोट 50 तीन बार प्ले हो रहा है, और आखिर में प्ले नोट 60 दूसरी बार प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही रिपीट ब्लॉक ऐड करेंगे। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिपीट का ब्लॉक एक दफ़ा लगेगा और उसके अंदर हम प्ले नोट 50 का ब्लॉक ऐड करेंगे, ठीक है? चलें अब स्क्रिप्ट बनाने में कौन मेरी मदद करेगा? वेरी गुड, चलें आ जाएं स्क्रिप्ट बनाते हैं। सबसे पहले कौन सा ब्लॉक आएगा? जी आप बताएं। प्ले नोट 60। वेरी गुड, सबसे पहले हम प्ले नोट 60 का ब्लॉक ऐड करेंगे, ठीक है? ये हमने यहाँ प्ले नोट 60 का ब्लॉक होल्ड एंड ड्रैग करके ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? जी आप बताएं। हम रिपीट ब्लॉक लगाएंगे, ठीक है? और रिपीट ब्लॉक कहाँ पे होता है? कंट्रोल टैब। वेरी गुड, शाबाश, हम कंट्रोल टैब में जाएंगे और वहाँ से हम रिपीट का ब्लॉक होल्ड एंड ड्रैग करके ले आएंगे, ठीक है? अच्छा, अब रिपीट की वैल्यू क्या होगी? जी आप बताएं। रिपीट की वैल्यू 3 होगी और उसके अंदर प्ले नोट 50 का ब्लॉक लगाएंगे। वेरी गुड, शाबाश, इनके लिए क्लैप कर लें। रिपीट की वैल्यू होगी 3 और इसके अंदर हम प्ले नोट 50 का ब्लॉक लगाएंगे। ये हमने इसमें ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू हम डबल टैप करके चेंज कर देंगे।
और आखिर में हम लगाएंगे प्ले नोट 60 का ब्लॉक। चलें, ये हमारी दोनों स्क्रिप्ट्स बन गई, लेकिन अब हमें ये जानना है कि इन दोनों का आउटपुट सेम है या नहीं। अब मैं इन दोनों ब्लॉक्स को रन करूंगी और हम देखेंगे कि आउटपुट क्या है। अब दूसरी वाली स्क्रिप्ट सुनते हैं, क्या आउटपुट सेम था? Yes! तो आउटपुट तो सेम है, तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? जी आप बताएं। इस ऊपर वाली स्क्रिप्ट लंबी है क्योंकि इसमें रिपीट ब्लॉक नहीं है, और नीचे वाली स्क्रिप्ट छोटी है क्योंकि इसमें रिपीट ब्लॉक। वेरी गुड, शाबाश। चलें, अब आप लोग को मैं 2 मिनट का वक्त दे रही हूँ, आप लोगों ने स्क्रिप्ट अपनी टैबलेट से बनानी है। वीडियो के इस हिस्से में हमने देखा कि किस तरह टीचर ने स्टेप बाय स्टेप एक काम करके दिखाया। पेडागॉजी की हिकमत अमलियाँ जो हमने देखी वो ये कि टीचर कमज़ोर बच्चों पर एतमाद दिखाएं और उन्हें जवाब देने के लिए कहें। इसके अलावा हमने देखा कि कैसे टीचर ने बच्चों से सवालात के ज़रिए स्क्रिप्ट बनवाई। बच्चों को सीखने के अमल में शामिल रखने से बच्चों की दिलचस्पी बरकरार रहती है और वो हाजिर दिमाग रहते हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट नहीं बना रहे? मैं समझ नहीं आ रही। अच्छा, फैसिलिटेटर आपने अपनी स्क्रिप्ट बना ली? यस मिस। वेरी गुड, शाबाश। अब आप अपने ग्रुप मेंबर्स की हेल्प करें स्क्रिप्ट बनाने में। जैसे कि आपने देखा कि कैसे बामाइनी राउंड के दौरान जब मौलिमा ने देखा कि बच्चे को दुश्वारी का सामना है, तो बजाय इसके कि तालिबे इल्म की खुद मदद करें, उन्होंने साथी तलबा से कहा कि उस बच्चे की मदद कीजिए। फैसिलिटेटर्स, अगर आप लोग के ग्रुप मेंबर्स ने एक्टिविटी मुकम्मल कर ली है तो अपना हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि रिपीट किस तरह काम करता है। वो ब्लॉक जो एक से ज़्यादा दफ़ा एक साथ चल रहा था, हमने उसे रिपीट ब्लॉक के अंदर डाल दिया, और इससे हमारा आउटपुट भी वही आया जो रिपीट के बगैर आ रहा था। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ रिपीट ब्लॉक लगाने का? जी बताएं। इससे हमारी स्क्रिप्ट आसान हो गई। वेरी गुड, और जी बताएं। इससे हमें कम ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ा। शाबाश। तो बच्चों, अब हम एक सरगर्मी करेंगे जिसमें मैं आपको एलईडी स्क्रीन पर एक स्क्रिप्ट दिखाऊंगी, और आप लोगों ने उस स्क्रिप्ट में सही जगहों पर रिपीट ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये आप लोगों की स्क्रिप्ट है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने स्क्रिप्ट का मुख्तसर वर्जन लिखना है जिसमें आपने रिपीट ब्लॉक इस्तेमाल किया हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने स्क्रिप्ट का ड्राई रन अपनी कॉपीज में लिखना है। ठीक है, आप लोगों के पास इनफरादी तौर पर ये काम करने के लिए 5 मिनट हैं, और ग्रुप में इसके आंसर डिस्कस करने के लिए 2 मिनट का वक्त है। सही है? चलें, मुझे कौन बताएगा कि हमें क्या करना है? जी बताएं। हमें इसका मुख्तसर वर्जन अपने टैबलेट्स में लिखना है, और इसका ड्राई रन आउटपुट अपनी कॉपी में लिखना है। वेरी गुड, और इनफरादी तौर पर काम करने के लिए हमारे पास कितना टाइम है? जी बताएं। 5 मिनट्स। गुड, और ग्रुप में काम करने के लिए हमारे पास कितना टाइम है? जी आप बताएं। 2 मिनट्स। वेरी गुड, चलें। सरगर्मी की हिदायत देने के बाद ICQs पूछें। इसके बाद जब आप कमरा जमात का राउंड लगाएं, तो तलबा को जवाब बताने से गुरेज करें। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के उसूलों को निभाते वक्त गौर करने वाली बात यह है कि टीचर ऐसे इशारे दें जिससे वो जवाब तक पहुंच सकें। पेडागॉजी में एक उसूल ये भी है कि टीचर ने बच्चों में इशारों से पूछने की सलाहियत पैदा करनी है जिससे वो खुद जवाब तक पहुंच सकें। मिसाल के तौर पर पूछें कि आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से ऐसा होगा, आप इस पर दोबारा गौर करें। अगर आप 2 से ज़्यादा ग्रुप्स को एक ही तरह की परेशानी का शिकार देखें, तो अटेंशन कॉल करके उनका नाम लिए बग़ैर उस परेशानी का हल तजवीज़ करें ताकि वो सही सिम्त में काम कर सकें।
वक्त ख़त्म होने के बाद तलबा से जवाबात डिस्कस करें और कोशिश करें कि उन तलबा को मौका दें जो जवाब देने में झिझक महसूस करते हैं। अगर ज़्यादातर तलबा सही जवाब ना दे पाएँ तो मश के लिए और सवाल दें। इस सरगर्मी की हिदायत टीचर्स गाइड की इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में मौजूद हैं। उसमें दी गई मिसाल के मुताबिक इसे क्लास में डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएं। तो बच्चों, चूँकि हम अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस मुकम्मल कर चुके हैं और उसके जवाबात भी डिस्कस कर चुके हैं, चलते हैं सबक के इख्तिताम की तरफ। ये था हमारा आज का दिलचस्प टॉपिक रिपीट ब्लॉक, जिसको इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी स्क्रिप्ट को छोटा किया और उसे और बेहतर तौर पर समझा। ठीक है, तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी और उसके दो ऑप्शंस दूंगी। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन ए आंसर है तो आपने ये इशारा करना है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन बी आंसर है तो आपने ये इशारा करना है। ठीक है, रेडी है सब? yes! चलें। तो आपका पहला सवाल है, हम रिपीट ब्लॉक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम एक ब्लॉक को बार बार लिखने से बचें। ऑप्शन ए है यस और ऑप्शन बी है नो। वेरी गुड, शाबाश। अगला सवाल है, अगर कोई ब्लॉक रिपीट ब्लॉक के बाहर लगा हो तो क्या वो रिपीट होगा? ऑप्शन ए है यस और ऑप्शन बी है नो। वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू सो मच बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक रिपीट ब्लॉक्स। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी।